निकल गया। आके भी पहुंच गया हूं मैं रोलर कोस्टर के लिए ये दरत में। तो अभी देखते हैं कैसे क्या टिकट है, कहां से क्या शुरू होता है। यहीं पे जैसे देख सकते हैं यहीं पे बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है, लाइन पे बुक करना हुआ टिकट और यहीं से शायद शुरू होगा। देखते हैं पहले टिकट बुक करते हैं, चलते हैं फिर। Stop. Okay. Go. Cameras for both well right. For your safety, do not stop on the ride to take a photo or video. फोटो खींचने के लिए ऑटोमेटिक ही चलता है, लेकिन एक से फिगर आउट करता है कि आगे कोई गाड़ी है कि नहीं। अगर गाड़ी नहीं है तभी वो चलता है, वरना नहीं चलता है। लेकिन जैसे कि ये मूव कर रहा है तभी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, वो आगे वाला मूव कर रहा है तभी ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। इतना मिनिमम डिस्टेंस वो मेंटेन करके रखता है, सेफ्टी के लिए वो तो अच्छा है। जैसे कि ये लोग बार बार रोकते रहते हैं फोटो खींचने के लिए, इतने के लिए उतना नहीं है, बार बार बोल रहा है। और ये देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या वो मूव कर रहे थे, ये पीछे वाला मूव कर रहा है ऑटोमेटिकली। ये जैसे हैंडल हो गया, इसको आगे किया तो मूव, इसको पीछे किया तो ब्रेक। सही है, अभी हम लोग बीच में रोलर कोस्टर पे रोक के यहाँ पे हम लोग को वाटरफॉल देखना है। वाटरफॉल को देखने मतलब जितना टाइम चाहे आप रोक सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि रोलर कोस्टर आते रहता है जाते रहता है, तो यहाँ पे रुक के पहले देखने के बाद हम लोग फिर से रोलर कोस्टर में वापस जाना है। और वापस जाने के बाद वहाँ से केबल का भी है, वो भी उसी टिकट में इंक्लूडेड है। 700 रुपये लिया था तो सही होना चाहिए, सब कुछ इंक्लूड है तो ठीक ही है। देखते हैं फिर। अभी तो वाटर
वाटरफॉल देख लिया। वाटरफॉल देखने के बाद अभी निकलते हैं फिर रोलर कोस्टर में वापस चलते हैं। इस तरफ क्या है क्या देख लेता। तो ये वाटरफॉल से मैं निकल रहा हूँ अभी। यहाँ पे जो देखिए मुझे कुछ हैंडल करना जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही वो चल रहा है पूरा ऊपर तक राइड। ये सब कहीं कहीं पे सेंसर वालों को लगा रखे हैं शायद, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक चलना है, यहाँ पे स्लो चलना है, यहाँ पे रुकना है, कितने और कितना देर बाकी है रोलर कोस्टर। लेकिन एक सही है, जंगल के अंदर रोलर कोस्टर फ्री राइड की तरह लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलते हैं फिर, अभी ऊंचाई तो लगभग खत्म हो गया है। सोच रहा हूँ अभी यहाँ पर हम लोग घूम रहे साइड में कहीं सांप निकल गया, बीच में तो कहीं जा नहीं सकते, सांप निकल के ऊपर कूद गया तो क्या करना है भाई। मान लो यहाँ पे सांप निकला और कूदा, कहाँ जाओगे, बीच से तो कहीं निकल नहीं सकते। तो ये आ गया हम लोग का सेकंड पॉइंट। ये यहाँ पर दूसरा स्टॉपेज है, मैं थोड़ा शायद रेस्ट रूम वगैरह यूज़ करने के लिए, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, मुझे सबसे करने का अभी ज़रूरत नहीं है, तो शायद मैं निकल सकता हूँ यहाँ से।